तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए अपडेट लेकर आया हूँ रैमबो मूवी के बारे में इस यूनिवर्स के बारे में जी हाँ दोस्तों इसका जो एक तरह से आखिरी पार्ट है हमें दो हज़ार एक से उन्नीस के अंदर देखने को मिला था रैमबो जिसका टाइटल था मैं आपको बताऊँ तो रैमबो लास्ट बोल्ड जी हाँ दोस्तों इसी के बाद इसके छठे पार्ट का इंतजार किया जा रहा था और जिस हिसाब से इसकी जो पिछला पार्ट है उसका टाइटल रखा गया था उसके मुताबिक कई लोगों का कहना था कि इसका छठा पार्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा सिक्स पार्ट इसका नहीं देखने को मिलेगा तो आज मैं इसी एक तरह से मूवी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ इसके छठे पार्ट के ऊपर कि आपको क्या अपडेट एक तरह से देखने को मिली है क्या अगला पार्ट देखने को मिलेगा सारी कुछ जानकारी मैं आपको बताऊँगा पिछली मूवी के बारे में बात की जाए तो इसकी लेंथ एक घंटा उन्तीस मिनट

और ये लेखक डेविड मॉरल द्वारा उनके उपन्यास फर्स्ट ब्लड के लिए बनाए गए चरित्र जॉन रैम्बो पर आधारित है रैम्बो 2008 की अगली कड़ी ये रैम्बो फ्रेंचाइज की पांचवीं किस्त है और इसमें स्टैलोन रैम्बो की भूमिका में हैं उनके साथ पाज वेगा सर्जियो पैरिस मैंचिटा एड्रियाना बैराजा यवेटे मॉन्ड्रियल जिनी किम उर्फ येना हान जोक्विन कोसियो और ऑस्कर जेनाडा हैं फिल्म में रैम्बो अपनी गोद ली हुई भतीजी को बचाने के लिए मैक्सिको की यात्रा करता है जिसे मैक्सिकन कार्टेल द्वारा अपहरण कर लिया गया है और वेश्यावृत्ति में मजबूर किया गया है 2008 के बाद से पांचवी फ़िल्म की योजना की बार बार घोषणा की गई विभिन्न पुनरावृत्तियों को विकसित और रद्द किया गया फ़िल्म की अंततः मई 2018 में घोषणा की गई जिसमें ग्रुण्बग निर्देशन से जुड़े थे मुख्य फ़ोटोग्राफी अक्टूबर 2018 में बल्गेरिया और स्पेन में शुरू हुई और दिसंबर 2018 में समाप्त हुई मई 2019 में अतिरिक्त फ़ोटोग्राफ़ी के साथ ब्रांड टाइलर फिल्म को स्कोर करने के लिए लौट आए रैम्बो लास्ट ब्लड को 20 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से रिलीज़ किया गया था इसकी पटकथा लेखन ग्राफिक हिंसा और मैक्सिको के प्रति नस्लवादी और जेनोफोबिक रवैये के आरोपों के साथ आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन एक्शन दृश्यों और स्टैलोन के प्रदर्शन को उनकी वापसी के लिए प्रशंसा मिली मुख्य भूमिका नाइन दस फिल्म ने 50 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट और 30 मिलियन डॉलर की प्रिंट और विज्ञापन लागत के मुकाबले दुनिया भर में इक्यानवे मिलियन डॉलर की कमाई की कथानक बर्मा की घटनाओं के 11 साल बाद वियतनाम युद्ध के अनुभवी जॉन रैम्बो अपने मृत पिता के घोड़ा फार्म में बोवी एरिजोना में रहते हैं जिसे वह अपने पुराने दोस्त मारिया बेल्ट्रान और उनकी पोती गैब्रियला के साथ प्रबंधित करते हैं वह उन्हें बताती है कि उसकी दोस्त गिजेल को गैब्रियला के मृत पिता मैनुअल मैक्सिको में मिला था उनके विरोध के बावजूद गैब्रियला गुप्त रूप से मैक्सिको की यात्रा करती है जहाँ गिजेल उसे मैनुअल के अपार्टमेंट में ले जाती है जब वो उससे पूछती है कि उसने गैब्रिएला और उसकी माँ का क्यों छोड़ दिया तो उसने बेरुखी से खुलासा किया कि उसने कभी उनमें से किसी की भी परवाह नहीं की गिजेल दुखी गैब्रिएला को पास के एक क्लब में ले जाती है जहाँ मैक्सिकन काटिल के प्रवर्तकों द्वारा उसे नशीला पदार्थ खिलाकर अपहरण कर लिया जाता है गैब्रियला के लापता होने के बारे में जानने के बाद रैम्बो मैक्सिको चला जाता है और गैब्रियला के ठिकाने के बारे में मैनुअल और गिजेल दोनों से पूछताछ करता है गिजेल अनिच्छा से रैम्बो को उस क्लब में ले जाती है जहां गैब्रियला को आखिरी बार देखा गया था और रैम्बो का सामना एल फ्लैको से होता है जिसने आखिरी बार गैब्रियला से बात की थी एक रहस्यमय महिला कामेन डेल गाडो रैम्बो का पीछा करती है क्योंकि एल फ्लैको उसे गैब्रियल के कथित स्थान पर ले जाता है भाइयों ह्यूगो और विक्टर मार्टिनेज के नेतृत्व वाले कार्टेल द्वारा रैम्बो का सामना किया जाता है उसे पीटा जाता है और उसे चिन्हित किया जाता है वे उसके ड्राइवर का लाइसेंस ले लेते हैं जिसमें खेत का स्थान और गैब्रियल की एक तस्वीर का खुलासा करते हैं जिसे विक्टर पहचानता है रैम्बो के कार्यों के कारण काटेल गैब्रियलर के साथ और अधिक दुर्व्यवहार करने की कसम खाता है कामेन रैम्बो को वापस अपने घर ले जाती है जहां वो उसकी तब तक देखभाल करती है जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता इस बीच गैब्रियला को बार बार हेरोइन की खुराक दी जाती है और यौन गुलामी के लिए बेच दिया जाता है कामेन का कहना है कि वह एक स्वतंत्र पत्रकार हैं जो मार्टिनेज भाइयों की जांच कर रही हैं जिन्होंने उनकी बहन का अपहरण और हत्या कर दी थी बाद में रैम्बो ने एक वेश्यालय पर छापा मारा और कई लोगों को मार डाला जब तक कि उसे नशे में धुत गैब्रियला नहीं मिल गई घर जाते समय रैम्बो पिछले दस वर्षों से ऊ से आशा और अर्थ देने के लिए गैब्रियला को धन्यवाद देता है लेकिन ओवरडोज से उसकी मृत्यु हो जाती है क्रोधित रैम्बो ने मारिया को दूर भेज दिया टकराव के लिए खेत को मूर्ख जाल से घेर लिया और बाद में विक्टर को खोजने में कामेन की मदद मांगने के लिए मैक्सिको लौट आया कामेन ने शुरू में मना कर दिया रैम्बो से कहा कि इससे कुछ हल नहीं होगा लेकिन उसके दुख और निराशा के लिए अपील करने के बाद वो आश्वस्त हो गई रैम्बो ने विक्टर के घर पर छापा मारा गार्डों को मार डाला और विक्टर का सिर धड़ से अलग कर दिया प्रतिशोध में ह्यूगो हिटमैन के एक समूह को रैम्बो के खेत में ले जाता है जहां प्रत्येक बूबी ट्रैप का शिकार हो जाता है अंत में ह्यूगो को बचाते हुए रैम्बो अपने बोबी चाकू का उपयोग करता है उसकी छाती को चीरता है और उसके दिल को चीर देता है इसके बाद कमज़ोर रैम्बो अपने पिता के घर के बरामदे पर बैठ जाता है और लड़ाई जारी रखने और अपने प्रियजनों की यादों को जीवित रखने की कसम खाता है क्रेडिट के दौरान पिछली फिल्म मोसे से रैम्बो की लड़ाइयों के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जिसमें रैम्बो अपने घोड़े पर काठी लगाता है और सूर्यास्त की ओर चला जाता है कास्ट करें मुख्य लेख रैम्बो पात्रों की सूची जॉन रैम्बो के रूप में सिल्विस्टर स्टैलोन कामेन डेलगाडो के रूप में वेगा ह्यूगो मार्टिनेस के रूप में सर्जियो पेरिस मैं मारिया बेल्ट्रान के रूप में एड्रियाना बर्राजा गैब्रिएला बेल्ट्रान के रूप में येवेटे मोन्ड्रियल जिनी किम उर्फिएना हानबार संरक्षक के रूप में डॉन मैनुअल के रूप में जोकिन कोसियो पासकासियो लोपेज एल फ्लाको के रूप में विक्टर मार्टिनेज के रूप में ऑस्कर जेनाडा गिजेल के रूप में फेनेसा पिनेडा मैनुअल के रूप में माको डेलाओ डॉन मिगुएल के रूप में रिक जिंगेल, डॉक्टर सर्जियो के रूप में मैनुअल उरिजा लोला लौरा के रूप में मिर्का प्रीतो एलेजांद्रा के रूप में शीला शाह बेकी के रूप में जेसिका मैडसिन मैनुअल की पत्नी के रूप में उर्सुला मुरायामा व्हाइटमैन वेश्यालय के रूप में ल्यूबोमा निकोव विस्तारित कट के शुरुआती दृश्य में लुई मैंडिलो और आरोन कोहन ने क्रमशः शेरिफ और राज्य पुलिस कप्तान की भूमिका निभाई उत्पादन विकास और लेखन फरवरी 2008 में सिल्वेस्टर स्टेलोन ने खुलासा किया कि पांचवी फिल्म बनाना चौथी फिल्म की सफलता पर निर्भर करेगा उन्होंने कहा कि वह एक तैयारी कर रहे थे और यह काफी अलग होगी 11 मार्च 2008 में स्टेलोन ने खुलासा किया कि वह रैम्बोवी लिखने का काम आधे अधूरे तरीके से कर रहे थे उन्होंने कहा कि यह एक और युद्ध फिल्म नहीं होगी जिसमें बल्गेरिया को एरिजोना में रैम्बो के घर के रूप में भी माना जाता है 12, तेरह 14 फरवरी 2009 में स्टैलोन ने खुलासा किया कि वह पांचवी फिल्म के साथ आगे बढ़ रहे थे लेकिन उन्होंने कहा संघर्ष ये है कि इसे अमेरिका में किया जाए या किसी विदेशी देश में पंद्रह अगस्त 2009 में मिलेनियम फिल्म्स ने स्टैलोन के लेखन निर्देशन और अभिनय के साथ फ़िल्म को हरी झंडी दे दी उस समय कथानक अमेरिका मैक्सिको सीमा के पास अपहरित एक युवा लड़की को बचाने के लिए मानव तस्करों और ड्रग माफियाओं से जूझ रहे रैम्बो पर केंद्रित था सोलह सितंबर 2009 में स्टैलोन ने खुलासा किया कि फ़िल्म का नाम रैम्बो वी द सेवेज हंट था और यह जेम्स बायन हगिन्स के उपन्यास हंटर पर आधारित होगी रैम्बो पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कथानक को फिर से तैयार किया गया था जो एक आनुवंशिक रूप से इंजीनियर प्राण का शिकार करने और उसे मारने के लिए एक विशिष्ट विशेष बल की हत्या टीम का नेतृत्व कर रहा था सत्रह न्यू इमेज मिलेनियम फिल्म्स ने एक कॉन्सेप्ट आर्ट पोस्टर और द सेवेज हंट का आधिकारिक सारांश जारी किया 18 हालांकि नवंबर 2009 तक कथानक स्टैलोन द्वारा लिखी गई कहानी पर वापस आ गया था जिसमें रैम्बो का अपहरण कर ली गई एक लड़की को बचाने के लिए मैक्सिकन सीमा पार करना शामिल था उन्नीस मई 2010 में स्टैलोन ने खुलासा किया कि उन्होंने इस किरदार को पूरा कर लिया है उन्होंने कहा मुझे लगता है कि रैम्बो ने बहुत अच्छा काम किया है मुझे नहीं लगता कि अब और कुछ होगा मुझे लगभग निन्यानवे प्रतिशत यकीन है कि मैं इसे करने जा रहा था लेकिन मुझे लगता है कि रॉकी बालबुआ के साथ वह किरदार पूरा हो गया वह घर चला गया लेकिन रैम्बो के लिए एक और साहसिक कार्य पर जाना मुझे लगता है भाड़े के इशारे के रूप में गलत समझा जा सकता है और यह आवश्यक नहीं है मैं ऐसा नहीं चाहता घटित होना बीस ट्वेंटी टेन के कांस फिल्म फेस्टिवल में मिलेनियम फिल्म्स और न्यू इमेज ने हैंडआउट पोस्टर कार्ड के साथ फिल्म का विज्ञापन किया जिसका नाम अब रैम्बो वी है इक्कीस इसके बावजूद स्टैलोन ने कहा कि वह बनाए गए पोस्टरों में शामिल नहीं थे और स्टूडियो ने उनसे कहा था कि यदि वो फ़िल्म नहीं बनाते हैं तो वे इसे पूरा करने के लिए किसी और को ढूंढ लेंगे उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि फ़्रेंचाइजी ख़त्म हो जाए और उन्होंने इस विचार से सहजता व्यक्त की 22. 2011 में शॉन हूद को रैम्बो लास्ट स्टैंड नामक एक नई स्क्रिप्ट लिखने के लिए काम पर रखा गया था जिसे उन्होंने फ़र्स्ट ब्लड के छोटे शहर की थरिला के अनुरूप बताया तेईस दो में हुड ने खुलासा किया कि स्टेलोन द्वारा द एक्सपेंडेबल्स दो को ख़त्म करने के लिए रैम्बो वी को रोक दिया गया था हुड ने इस बात पर भी अपनी अनिश्चितता प्रकट की कि क्या फिल्म अनफॉगेवन या पासिंग ऑफ द टॉर्च के समान होगी 24 अगस्त 2013 में ये घोषणा की गई थी कि एंटरटेनमेंट वन और न्यू इमेज स्टालोन के साथ एक रैम्बो टीवी श्रृंखला का विकास और निर्माण करेंगे 25 जून 2014 में जर्मन फिल्म कंपनी स्प्लेंडेड फिल्म्स ने पुष्टि की कि स्टेलोन ने रैम्बो वी के लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया है जिसे उन्होंने नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन के समान बताया 26 सितंबर 2014 में फिल्म का आधिकारिक नाम रैम्बो लास्ट ब्लड रखा गया जिसमें स्टैलोन भी निर्देशक के रूप में कार्यरत थे सत्ताईस 2015 में स्टैलोन और रैम्बो निर्माता लेखक डेविड मॉरिल ने रैम्बो वी के लिए कहानी फिर से लिखी स्टेलोन उस किरदार के लिए एक भावपूर्ण यात्रा चाहते थे जिसे लेखक ने वास्तव में भावनात्मक शक्तिशाली कहानी बताया है स्टेलोन ने यह विचार निर्माताओं के सामने रखा लेकिन वे इसके बजाय मानव तस्करी की कहानी के साथ आगे बढ़ना चाहते थे और स्टेलोन और मॉरेल की स्क्रिप्ट को छोड़ दिया गया 28 अक्टूबर 2015 में स्टेलोन ने एक प्रीक्वल प्रोजेक्ट में रुचि व्यक्त करते हुए कहा ये पता लगाना दिलचस्प है कि लोग कैसे और क्यों बन गए हैं वियतनाम में होने के आघात हानि और त्रासदी निश्चित रूप से होगी एक युवा अभिनेता के लिए यह एक बड़ी चुनौती है और यह विडंबना ही होगी कि रैम्बो 20 वर्षों से अधिक समय तक अभिनय करने के बाद युवा रैम्बो का निर्देशन करता है 29 जनवरी 2016 तक स्टेलोन ने कहा कि रैम्बो वी उत्पादन में प्रवेश नहीं करेगा तीस प्री प्रोडक्शन मई 2018 में फिल्म को शुरू में रैम्बो वी के रूप में विकसित करने की फिर से घोषणा की गई जिसमें मुख्य फोटोग्राफी सितंबर में निर्धारित की गई थी इस बात की पुष्टि की गई थी कि यह साजिश रैम्बो पर केंद्रित थी जो अपने परिवार के एक सदस्य के अपहरण के बाद मैक्सिकन ड्रग कार्टिल से मुकाबला कर रही थी इकतीस स्टेलोन ने फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा की जिसमें वह मैथ्यू सिरुलनिक के साथ सह लेखन भी करेंगे उस समय उन्होंने निदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्य करने में अनिश्चितता व्यक्त की थी बत्तीस तैतीस अगस्त 2018 में एड्रियन ग्रुनबर्ग को निदेशक के रूप में घोषित किया गया था चौंतीस सितंबर 2018 में एड्रियाना बैराजा को कलाकारों में जोड़ा गया पैंतीस अक्टूबर 2018 में पाजवेगा छत्तीस येविटे मोन्ड्रियल सैंतीस सर्जियो पेरिस मैनचेटा, अड़तीस ऑस्कर जेनाडा और जोकिन कोसियो उनतालीस को कास्ट किया गया मई 2019 में लुई मैंडेलो शीला शाह दिमित्री वेगास और जिनी किम उर्फ येनाहान को बिना किसी पूर्व घोषणा के कास्ट किए जाने का खुलासा हुआ था चार शून्य चार एक चार दो फिल्मांकन प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 अक्टूबर 2018 को बल्गेरिया में शुरू हुई तैंतालीस चौवालीस पहले यह 1 सितंबर 2018 को शुरू होने वाला था पैंतालीस छियालीस और उससे पहले 27 अक्टूबर 2014 को श्रेवेपोर्ट लुइजियाना में सैतालीस अड़तालीस बैराजा ने अपने दृश्य टेनरिफ कैनरी द्वीप में फिल्माए पैंतीस मुख्य फोटोग्राफी 4 दिसंबर 2018 को पूरी हुई उनचास अतिरिक्त फोटोग्राफी मई 2019 के अंत में हुई पचास इक्यावन संगीत रैम्बो लास्ट ब्लड ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंडट्रैक फिल्म स्कोर द्वारा ब्रायन टाइलर जारी किया 20 सितंबर 2019 स्टूडियो स्लोवाक रेडियो कॉन्सर्ट हॉल लंबाई पचहत्तर शून्य तीन लेबल झील के किनारे निर्माता ब्रांड टाइलर जो लिसांती, ब्रांड टाइलर कालक्रम तैयार है या नहीं मूल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक ट्वेंटी नाइन्टीन रैम्बो लास्ट ब्लड ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक ट्वेंटी नाइनटीन चालीज एंजल्स ओरिजिनल मोशन पिक्चर स्कोर दो हजार उन्नीस टाइलर जिन्होंने रैम्बो और द एक्सपेंडेबल्स त्रई पर स्टैलोन के लिए रचना की रैम्बो लास्ट ब्लड स्कोर करने के लिए लौट आए टाइलर ने ड्रेड सेंट्रल के साथ अपनी स्कोरिंग प्रक्रिया साझा की रैम्बो लास्ट ब्लड एक बहुत ही भावनात्मक कहानी है और संगीत को उस स्वर को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है जिसे निर्देशक एड्रियन ग्रोनबर्ग ने इतनी खूबसूरती से सेट से किया है मैंने हार्दिक और भावुक विषयों की एक श्रृंखला लिखी है जो परिवार न्याय न्याय और करुणा के लिए रैम्बो की इच्छा को प्रतिध्वनित करती है इन विचारों ने एक तानवाला तनाव पैदा किया जो एक संगीतकार के रूप में चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद दोनों था रसीले तार विशाल पीतल गड़गड़ाहट की थाप नाज़ुक पियानो और कष्टप्रद तुरही युगलहानी, अफसोस आशा और प्रतिशोध के विषयों को प्रतिध्वनित करते हैं इस कालजयी चरित्र के लिए रचना करना एक अविश्वसनीय अनुभव रहा है बावन रिलीज मार्केटिंग मई 2018 में मिलेनियम फिल्म्स रुचि और बिक्री उत्पन्न करने के लिए इस परियोजना को कांस में लेकर आई बत्तीस स्टेलोन ने सत्यापित किया कि जैसे ही फिल्म रिलीज के करीब आएगी वो अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म के सेट से तस्वीरें और वीडियो साझा करेंगे तिरपन चावन फरवरी 2019 में स्टैलोन ने अपने इंस्टाग्राम पर रैम्बो के गोद लिए हुए परिवार पचपन युद्ध इतिहास छप्पन और चरित्र गैब्रियल के अपने पिता को खोजने के लिए मैक्सिको की यात्रा करने के इरादे की तस्वीरें साझा की सत्तावन मार्च 2019 में स्टेलोन ने अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से रैम्बो की खून से लथपथ और उसके हस्ताक्षरित धनुष पर निशाना साधते हुए एक तस्वीर का खुलासा किया अट्ठावन मई 2019 में ये पता चला कि स्टैलोन 24 मई 2019 को पैलेस डेस फेस्टिवल्स एट डेस कांग्रेस में फ़िल्म की एक विशेष फर्स्ट लुक स्क्रीनिंग के साथ मेल खाने के लिए कांस में विशेष छवियां प्रस्तुत करेंगे उनसठ पहला ट्रेलर था 24 मई 2019 को कांस में खुलासा किया गया साठ टीज़र ट्रेलर 30 मई 2019 को जारी किया गया था इकसठ और इसकी तुलना लोगान और अनफॉगिबन से की गई बासठ टीजर के लिए ओल्ड टाउन रोड गाने का रीमिक्स संस्करण इस्तेमाल किया गया था तिरसठ एक अगस्त 2019 को स्टेलोन ने अपने इंस्टाग्राम पर नाटक किया रिलीज पोस्टर का खुलासा किया चौंसठ बीस अगस्त 2019 को स्टेलोन ने अपने इंस्टाग्राम पर दूसरा ट्रेलर जारी किया पैंसठ चार सितंबर 2019 को अलामो ड्राफ्ट हाउस सिनेमा ने घोषणा की कि वह रैम्बो लास्ट ब्लड की रिलीज के उपलक्ष्य में सभी पांच रैम्बो फिल्मों की मैराथन की मेजबानी करेगा छियासठ डेडलाइन हॉलीवुड ने बताया कि पी एंड ए लागत 30 मिलियन डॉलर से कम थी चार नाट्यशास्त्रीय रैम्बो लास्ट ब्लड को संयुक्त राज्य अमेरिका में 20 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था सड़सठ दादी ने चीनी वितरण अधिकार खरीदे और आठ आंकड़ा सह वित्तपोषण सौदे पर सहमति व्यक्त की अड़सठ तीस जुलाई 2019 को एमपीए ने फिल्म को आर रेटिंग दी उनहत्तर ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन ने फिल्म को 18 में वर्गीकृत किया सत्तर यह फिल्म 26 जून 2020 को गागा कॉरपोरेशन द्वारा जापान में नाटकीय रूप से रिलीज की गई थी इकहत्तर अंतरराष्ट्रीय संस्करण लायंस गेट ने रैम्बो लास्ट ब्लड के दो अलग अलग नाटकीय कट जारी किए जो देश के अनुसार अलग अलग थे संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में फिल्म नवासी मिनट तक चलती है ऑस्ट्रेलिया मैक्सिको स्वीडन ब्राज़ील फिनलैंड जर्मनी बहत्तर और जापान इकहत्तर में यह 101 मिनट चलती है बाद वाले संस्करण में कई हटाए गए दृश्य और एक वैकल्पिक उद्घाटन शामिल है जो लगभग 10 मिनट चलता है ये बचाव के बीच में एक तूफ़ानी बारिश में शुरू होता है तीन लापता पैदल यात्रियों को बाढ़ में फंसने का खतरा है पुलिस का कहना है कि उन्हें तलाशी रोकनी होगी क्योंकि यह बहुत खतरनाक होती जा रही है और पूछना होगा कि घोड़े पर सवार स्वयंसेवक कहाँ है फिर हमें जंगल में पैदल यात्रियों पर नजर रखने वाले रैम्बो से मिलवाया जाता है वो एक लड़की को मृत पाता है और फिर नीचे अन्य दो को पाता है वह उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है लेकिन एक आदमी अपनी पत्नी के बिना नहीं जाएगा रैम्बो उसे बताता है कि वह मर चुकी है लेकिन वह भाग जाता है बाढ़ का पानी नीचे की ओर बहने लगता है और रैम्बो खुद को और लड़की को एक चट्टान से बांध देता है जबकि पानी का शुरुआती प्रवाह उनके ऊपर से गिरता है फिर वह लड़की के साथ बेस पर लौटता है और उस लड़के को देखता है जो अपना बॉडी बैग एम्बुलेंस में लादकर भाग गया था जिससे उसका पीटीएसडी शुरू हो गया लड़की उसे धन्यवाद देती है और रैम्बो घर लौटता है और घर में रहने वाली बूढ़ी महिला के साथ बातचीत करता है वो कब लौटे और कैसे उनके पिता बाहर रॉकिंग चेयर पर बैठते थे फिर वह घटनाओं से स्पष्ट रूप से पर शान होकर सुरंगों में चला जाता है और द डोर्स पर एक सीडी डालता है जब उसके पास सुरंगों में पीटीएसडी फ्लैशबैक होता है तो यह मृत यात्री के साथ जुड़ा होता है तीन वैकल्पिक शुरुआत के बाद फिल्म रैम्बो को उसके खेत में ले जाती है क्योंकि यह चुनिंदा उत्तरी अमेरिकी देशों और यूके में शुरू होती है तिहत्तर दोस्तों इस मूवी के बारे में बात की जाए तो लगभग इसकी लेंथ मैं आपको बताऊँ तो नब्बे मिनट पिछली जो मूवी है वो यू एस यू के कनाडा के अंदर रही थी और कई जगह इसकी जो लेंथ है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कई जगह इसकी लेंथ 101 तो मिनट टोटल रखी गई है और साथ ही साथ इस मूवी के बजट के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था पहले पचास मिलियन डॉलर और इसने जो कलेक्शन किया था तकरीबन मैं आपको बताऊँ नाइन्टी मिलियन का कलेक्शन किया था इसके बाद रेमबो के बारे में जैसा कि मैंने अपडेट बताया तो अभी तक कोई कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है कि चटापाट हमें देखने तो आप उन्हें देख सकते हो अपडेट जानने के लिए अब आगे थोड़ी और जानकारी देते हैं डेन गॉर्डन हिब्रू जन्म पाँच मई उन्नीस एक इजरायली अमेरिकी पटकथा लेखक टेलीविजन लेखक टेलीविज़न निर्माता टेलीविज़न निर्देशक फिल्म निर्माता उपन्यासकार नाटककार फिल्म निर्देशक और इजरायल रक्षा बलों में रिजर्व ड्यूटी कप्तान हैं एक पटकथा लेखक के रूप में उन्होंने व्याट इप पैसेंजर सत्तावन मर्डर इन द फर्स्ट और द हरिकेन सहित फिल्में लिखी हैं और रैम्बो लास्ट ब्लड के लिए कहानी विकसित की है वन व 200 घंटे से अधिक टेलीविजन के निर्माता पटकथा लेखक और कहानी संपादक रहे हैं जिनमें हाईवे टू हेवन हाईलैंडर और सोल्जर ऑफ फॉर्च्यून इंक शामिल हैं दो उन्होंने टर्म्स ऑफ एंडियमेंट और मैन के मंच रूपांतरण भी लिखे हैं तीन चार और उनकी पटकथाओं के साथ साथ गाजा युद्ध में लड़ने के उनके अपने अनुभवों पर आधारित उपन्यास पांच जीवनी प्रारंभिक जीवन डेन गॉर्डन का जन्म दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक यहूदी परिवार में हुआ था वो बेल गार्डन सीए में पले बढ़े और 16 साल की उम्र में इज़राइल चले गए जहां उन्होंने गिनेगर किबुत्स में हाई स्कूल में पढ़ाई की पाँच हाई स्कूल के बाद वह दक्षिणी कैलिफोर्निया लौट आए और एक फ़िल्म और टेलीविजन प्रमुख के रूप में यूसीएलए में स्थानांतरित होने से पहले एक साल के लिए ईस्ट एलए जूनियर कॉलेज में अध्ययन किया सात फिल्म और टेलीविज़न करियर यूसीएलए में रहते हुए डैन ने अपना लिखा एक अभिनय नाटक वंस आई वाज को यूनिवर्सल स्टूडियो में एक फिल्म के रूप में प्रस्तुत किया और उन्होंने उसे एक लेखक के रूप में नियुक्त किया लेकिन स्टूडियो के अध्यक्ष ल्यू वासरमैन ने उन्हें कार्यालय की आपूर्ति चुराने के आरोप में निकाल दिया था सात उन्नीस में गॉर्डन ने अपनी लिखी पटकथा पर आधारित फिल्म पोटलक का निर्देशन शुरू किया उन्होंने फ़िल्म परमिट प्राप्त किए बिना न्यूयॉर्क में गुरिल्ला शैली में फ़िल्म की शूटिंग की जैसा कि गॉर्डन को जल्द ही पता चला फ़िल्म के स्वतंत्र फ़ाइनेंसर माफिया से जुड़े हुए थे हालांकि फ़िल्म अपने एक लाख डॉलर बजट के अंतर्गत आ रही थी उन्होंने दावा किया कि वित्तपोषण समाप्त हो गया था गॉर्डन और उनके सहयोगियों ने फ़िल्म को पूरा करने के लिए धन जुटाने की कोशिश की लेकिन माफिया चाहते थे कि मनी लॉन्ड्रिंग योजना के तहत फिल्म विफ ल हो जाए फिल्म कभी खत्म नहीं हुई सात माफिया के डर से पोटलक बनाने की कोशिश के नतीजे के कारण गॉर्डन इजराइल भाग गए जहां उन्होंने इजरायली सेना में सेवा की वहां रहते हुए उन्होंने कैंसर सिटी आर एंड बी बैंड ब्लडस्टोन अभिनीत 1975 के पॉप म्यूजिकल ट्रेन राइड टू हॉलीवुड के लिए पटकथा लिखी हालांकि फ़िल्मांकन से पहले इसे फिर से लिखने के लिए वो कुछ समय के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए आठ एक दशक से अधिक समय के बाद गॉर्डन 1980 के दशक की शुरुआत में अपने पटकथा लेखन करियर को जारी रखने के लिए हॉलीवुड लौट आए सात गॉर्डन को टीवी शो हाईवे टू हेवन उन्नीस के लिए मुख्य लेखक के रूप में नियुक्त किया गया था जिसके लिए उन्होंने तीन एपिसोड का निर्देशन भी किया था वो फिल्म और टेलीविज़न दोनों के लिए लिखना चाहते थे जो उस समय असामान्य था सात गॉर्डन ने पैसेंजर सत्तावन 1992, नाइन्टी टू व्हाइट ईप उन्नीस मर्डर इन द फर्स्ट उन्नीस सौ पचानवे द असाइनमेंट उन्नीस और द हरिकेन, उन्नीस सहित कई पटकथाएं लिखीं छह गॉर्डन के सबसे हालिया काम में रैम्बो लास्ट ब्लड 2019 के लिए स्टोरी बाय क्रेडिट शामिल है एक उनके नाटक इरेनाज वॉव का प्रीमियर सितंबर 2008 में बारूक परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर न्यूयॉर्क में हुआ टोवा फैल्सो अभिनीत यह इरेना गट की सच्ची कहानी है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बारह यहूदियों को एक तहखाने में छिपा दिया था नाइन यह नाटक ब्रॉडवे पर वाल्टर केयर थिएटर में 10 मार्च 2009 से शुरू हुआ और आधिकारिक तौर पर 29 मार्च 2009 को ऑफ ब्रॉडवे के समान कलाकारों के साथ पूर्वावलोकन में शुरू हुआ दस बैरी मोरो के रेनमैन के उनके मंच रूपांतरण का प्रीमियर 2009 में लंदन के वेस्ट एंड में अपोलो थी एटर में हुआ और बाद में प्राग चैक गणराज्य स्टडगाट जर्मनी ब्रसल्स बेल्जियम यूट्रैक्ट नीदरलैंड में प्रदर्शन किया गया जकी गॉर्डन इंस्टीट्यूट जेजीआई गॉर्डन जकी गॉर्डन इंस्टीट्यूट जेजीआई के सह संस्थापक हैं जो सेडोना एरिजोना में एक फिल्म स्कूल है संस्थान का नाम उनके सबसे बड़े बेटे जकी गॉर्डन के नाम पर रखा गया है जिनकी उन्नीस में 22 वर्ष की आयु में एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी गॉर्डन संस्थान में अंशकालिक पढ़ाते थे वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्ट्स यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स और यूसीएलए स्कूल ऑफ थिएटर फिल्म और टेलीविजन में भी पढ़ाते हैं ग्यारह जहां वह अपने बेटे के सम्मान में पटकथा लेखन के छात्रों को वार्षिक 5,000 हजार डॉलर का पुरस्कार दान करते हैं बारह 2011 में लिबर्टी यूनिवर्सिटी में जकी गॉर्डन सेंटर फॉर सिनेमैटिक आर्ट्स की स्थापना करने के बाद 2012 में उन्होंने जकी गॉर्डन इंस्टीट्यूट छोड़ दिया तेरह गॉर्डन के जाने के बाद एरिजोना में जकी गॉर्डन इंस्टीट्यूट ने अपना नाम बदलकर सेडोना फ़िल्म स्कूल कर लिया चौदह गॉर्डन टिम बकले के भी करीबी दोस्त थे उन्होंने उनके साथ फुली एयर कंडीशनड इनसाइड नामक एक अनफिल्टर्ड फ़िल्म स्क्रिप्ट पर सहयोग किया था पंद्रह उन्होंने स्वतंत्र फिल्म में एक बेघर व्यक्ति की भूमिका भी निभाई वेटिंग फॉर्मो उन्नीस सौ छियानवे जिसे उन उन्होंने अपने बेटे जकी के साथ निर्मित किया जिसने फिल्म लिखी और निर्देशित की वह उन्नीस सौ पिचासी से डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के सदस्य रहे हैं सैन्य करियर गॉर्डन उन्नीस के दशक की शुरुआत में इजरायली सेना में शामिल हुए उन्होंने लगभग एक दशक तक सेवा की जिसमें उन्नीस का योम किपुर युद्ध भी शामिल था सात उन्होंने 2006 के इज़राइल लेबनन संघर्ष के दौरान सैन्य प्रवक्ता इकाई में एक एस्कॉट अधिकारी के रूप में कार्य किया सोलह वह इज़रायल रक्षा बल रिज़र्व में एक कप्तान हैं छः व्यक्तिगत जीवन गॉर्डन ने अपनी पत्नी जो एन से तब शादी की जब वह इज़राइल में था और उन्नीस में उनका तलाक हो गया उनके तीन बेटे जकी योनी और एडम हैं उनके सबसे बड़े जकी की उन्नीस में 22 साल की उम्र में एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई 2019 की गर्मियों के दौरान गॉर्डन ने एक छोटे से निजी समारोह में रोम में लिया डेनमार्क से शादी की गॉर्डन यहूदी हैं और उन्होंने यहूदी और ईसाई धार्मिक सम्मेलनों में मुख्य वक्ता के रूप में काम किया है सत्रह फिल्मोग्राफी फिल्म ट्रेन राइड टू हॉलीवुड उन्नीस टैंक उन्नीस समझ गया उन्नीस सौ पिचासी यात्री सत्तावन उन्नीस सौ बानवे सर्फ निंजाज नाइनटीन नाइन्टी थ्री कार्यकारी निर्माता भी व्याटीअप उन्नीस कार्यकारी निर्माता भी मर्डर इन द फर्स्ट उन्नीस सौ पचानवे असाइनमेंट उन्नीस सौ सत्तानवे तूफान उन्नीस सौ निन्यानवे सेलेस्टाइन भविष्यवाणी 2006 हजार छह एक्सपेक्टिंग मैरी ट्वेंटी टेन निर्देशक भी लेट दे अट दो हजार सत्रह सैम सोर्बो के साथ सहलिखित रैम्बो लास्ट ब्लड दो कहानी द्वारा शेर का दिल 2023 इरेना की प्रतिज्ञा 2023 योद्धा सशक्त 2023 टेलीविजन हाईवे टू हेवन उन्नीस निर्देशक भी गुलाग 1985 कार्यकारी निर्माता भी साइड किग्ज उन्नीस सौ सतासी जोरो उन्नीस सौ नवासी हाईलैंडर दीरीज उन्नीस सौ बानवे टैकिंग द हीट उन्नीस सौ तिरानवे छिपाने के लिए कहीं नहीं उन्नीस सौ चौरानवे न्यू ईडन उन्नीस सौ चौरानवे सोल्जर ऑफ फॉर्च्यून इंक उन्नीस सौ सत्तानवे निर्माता मॉल में आतंक उन्नीस सौ अट्ठानवे कहानी रफनेक्स स्टारशिप ट्रूपर्स क्रॉनिकल्स उन्नीस सौ निन्यानवे उपन्यास डेविड मॉरल जन्म 24 अप्रैल 1943 एक कनाडाई अमेरिकी लेखक हैं जिनका पहला उपन्यास उन्नीस में आया था फर्स्ट ब्लड जिसे बाद में उन्नीस में इसी नाम की फिल्म के रूप में रूपांतरित किया गया जिसने सिल्वेस्टर स्टेलोन अभिनीत सफल रैम्बो फ्रेंचाइजी को जन्म दिया वन उन्होंने 28 उपन्यास लिखे हैं और उनके काम का 30 भाषाओं में अनुवाद किया गया है दो उन्होंने दो शून्य शून्य सात दो शून्य शून्य आठ कैप्टन अमेरिका कॉमिक बुक मिनिस्रीज द चोजन भी लिखी प्रारंभिक जीवन मॉरेल का जन्म 24 अप्रैल 1943 को किचन ओंटारियो कनाडा में हुआ था वह बीट्राइस, एक असबाब वाला और जॉर्ज मोरेल एक रॉयल नेवी उड़ाका के पुत्र थे तीन क्लासिक टेलीविजन श्रृंखला रूट छियासठ में लेखन से प्रेरित होने के बाद उन्होंने 17 साल की उम्र में लेखक बनने का फैसला किया एक उन्नीस में मॉरेल ने सेंट जेरोम विश्वविद्यालय वॉटलू विश्वविद्यालय से संबद्ध से अंग्रेजी में बीए की उपाधि प्राप्त की और पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में हेमिंग्वे विद्वान फिलिप यंग के साथ अध्ययन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए जहां उन्होंने अंततः एमए की उपाधि प्राप्त की और पीएच डी अमेरिकी साहित्य में एक करियर पेन् स्टेट में अपने समय के दौरान उनकी मुलाक़ात विज्ञान कथा लेखक फिलिप क्लास से हुई जो छद्म नाम विलियम टेन से बेहतर जाने जाते थे जिन्होंने कथा लेखन की मूल बातें सिखाईं दो मोरेल ने 1970 में आयोवा विश्वविद्यालय में एक अंग्रेज़ी प्रोफेसर के रूप में काम शुरू किया उन्नीस में उनका उपन्यास फर्स्ट ब्लड प्रकाशित हुआ अंततः इसे उन्नीस में इसी नाम की फ़िल्म में बनाया गया जिसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने वियतनाम के दिग्गज जॉन रैम्बो की भूमिका निभाई थी एक मॉरेल ने कई अन्य उपन्यास लिखना जारी रखा जिनमें द ब्रदर हुड ऑफ द रोज भी शामिल है जो उपन्यासों की में पहला है जिसे उन्नीस में रॉबर्ट मिचम अभिनीत एनबीसी लघु श्रृंखला में रूपांतरित किया गया था पूर्णकालिक लेखन के लिए उन्होंने उन्नीस में विश्वविद्यालय में अपना कार्यकाल छोड़ दिया दो उन्नीस में उन्हें सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए हॉरर राइटर्स एसोसिएशन पुरस्कार मिला नारंगी पीड़ा के लिए है नीला पागलपन के लिए है चार मोरेल के स्रोत उपन्यास के अंत में जॉन रैम्बो के मारे जाने के बावजूद मोरेल ने रैम्बो फर्स्ट ब्लड दो का उपन्यासीकरण लिखा और प्रस्तावना में बताया कि वह चरित्र को वापस जीवंत कर रहे थे मोरेल इंटरनेशनल थर्लर राइटर्स संगठन के सह अध्यक्ष हैं दो व्यक्तिगत जीवन मॉरेल के किशोर बेटे मैथ्यू की उन्नीस में हड्डी के कैंसर के एक दुर्लभ रूप इविंग सार्कोमा से मृत्यु हो गई 2009 में उनकी पोती की भी इसी प्रकार के कैंसर से मृत्यु हो गई उनके नुकसान के आघात ने मॉरेल के काम को प्रभावित किया विशेष रूप से मैथ्यू फायरफ्लाइज के बारे में उनके रचनात्मक कथा संस्मरण में मॉरेल के उपन्यास डेस्परेट मीजर्स का नायक भी एक बेटे के खोने का अनुभव करता है दो मोरेल जंगल में जीवित रहने के लिए नेशनल आउटडोर लीडरशिप स्कूल के साथ साथ जी गार्डन लिड्डी एकेडमी ऑफ कारपोरेट सिक्योरिटी से स्नातक हैं वह स्पेशल ऑपरेशंस एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के मानद आजीवन सदस्य भी हैं दो उनकी वेबसाइट के अनुसार उन्हें आग्ने अस्त्रों को संभालने संकट से निपटने पहचान संभालने कार्यकारी सुरक्षा और रक्षात्मक ड्राइविंग के अलावा कई अन्य कार्य कौशल के लिए प्रशिक्षित किया गया है जिसका वर्णन उन्होंने अपने उपन्यासों में किया है उन्होंने अपने 2009 के उपन्यास 'द शिमा के शोध के हिस्से के रूप में अपने स्वयं के छोटे विमान को चलाने के लिए एफए लाइसेंस प्राप्त किया दो मॉरेल उन्नीस में एक अमेरिकी नागरिक बन गए पाँच छह वह सांताफे न्यू मैक्सिको में रहते हैं सात मॉरेल को आईटीडब्ल्यू की ओर से 2009 का थरिल मास्टर पुरस्कार प्रदान किया गया जॉन जेम्स रैम्बो जन्म 6 जुलाई उन्नीस सौ रैम्बो फ्रेंचाइज में एक काल्पनिक चरित्र है एक व पहली बार उन्नीस में डेविड मॉरल के उपन्यास फर्स्ट ब्लड में दिखाई दिए लेकिन बाद में फ़िल्म श्रृंखला के नायक के रूप में अधिक प्रसिद्ध हो गए जिसमें उनकी भूमिका सिल्वेस्टर स्टैलोन ने निभाई थी चरित्र के चित्रण से स्टेलोन को व्यापक प्रशंसा और पहचान मिली इस किरदार को अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की सौ साल सौ नायकों और खलनायकों की सूची के लिए नामांकित किया गया था दो पहली फ़िल्म की सफलता के बाद रैम्बो शब्द का इस्तेमाल कभी कभी मीडिया हलकों में एक अकेले भेड़िए का वर्णन करने के लिए किया जाता था जो लापरवाह है आदेशों की अवहेलना करता है सभी समस्याओं को हल करने के लिए हिंसा का उपयोग करता है अकेले खतरनाक स्थितियों में प्रवेश करता है और असाधारण रूप से कठिन है कठोर कच्चा और आक्रामक तीन रचना एवं पृष्ठभूमि डेविड मोरेल का कहना है कि रैम्बो नाम चुनने में वो सेब के नाम पर बल की ध्वनि से प्रेरित थे जिसका सामना उन्हें पेंसिल्वेनिया में हुआ था बदले में इन सिबों का नाम पीटर गुन्नार्सन रैम्बो के नाम पर रखा गया जो 1640 के दशक में स्वीडन से अमेरिका के लिए रवाना हुए थे और जल्द ही यह नाम न्यू स्वीडन में फलने फूलने लगा रैम्बो नाम संभवतः रामबगेट गोथिनबर्ग में हिसिंगेन द्वीप पर एक पहाड़ी जहाँ पीटर गुन्नार्सन का जन्म हुआ था और बो जिसका अर्थ है निवासी के संक्षिप्त रूप से लिया गया था आ जा उनके कई वंशज अभी भी अमेरिका के इस क्षेत्र में पाए जा सकते हैं मोरेल ने ये भी महसूस किया कि इसका उच्चारण आथर रिम्बोड के उपनाम के समान था जिनके सबसे प्रसिद्ध काम का शीर्षक ए सीजन इन हेल उन्हें युद्धबंदी के अनुभवों के लिए एक उपयुक्त रूपक लगता था जिसकी मैंने रैम्बोपीरा की कल्पना की थी चार इसके अलावा आथजे रैम्बो वियतनाम में एक वास्तविक अमेरिकी सैनिक था लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा पांच उनका नाम वाशिंगटन, डीसी में वियतनाम युद्ध स्मारक की दीवार पर देखा जा सकता है उन्हें पहला नाम जॉन वेन जॉनी कम्स माचिंग होम अगेन गीत के संदर्भ में दिया गया था छह सात उपन्यास और पहली फिल्म में रैम्बो एक सैनिक के रूप में दिखाई देता है जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित है और उसे सामान्य जीवन में तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है वियतनाम युद्ध में उत्तरी वियतनामी सैनिकों के हाथों हुई यातनाओं के कारण उसे हिंसा की ओर प्रवृत्त दिखाया गया है अगली फ़िल्मों और उपन्यासों में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया है जो संघर्ष से दूर रहना चाहता है लेकिन अपने दोस्तों और जिन लोगों की वह परवाह करता है उन्हें किसी भी ख़तरे से बचाने के लिए कुछ भी का रने को तैयार है उसके हिंसक स्वभाव के कारण कई नागरिक लोग उससे डरते हैं हालांकि कर्नल सैमुअल ट्रॉटमैन जो वियतनाम में उनके कमांडिंग ऑफिसर थे और संभवतः उनके एकमात्र मित्र हैं उन्हें समझते हैं और युद्ध में उनके द्वारा सहे गए दर्द और यातना को समझते हैं और जब वो अक्षम होने के बाद डाकू बन जाते हैं तो केवल वही उनके साथ तर्क करने में सक्षम होते हैं होप शहर में पुलिस अधिकारी आठ सेना में सिपाही के रूप में बिताए समय और गहन प्रशिक्षण के कारण रैम्बो का शरीर मानसल है उसके पास अत्यधिक मात्रा में ताकत और सहनशक्ति है रैम्बो वियतनाम युद्ध में अपने अनुभवों के कारण घने जंगलों में बड़ी संख्या में दुश्मनों के खिलाफ जीवित रहने में माहिर है वह गुरिल्ला रणनीति हथियार और आमने सामने की लड़ाई में भी विशेषज्ञ है रैम्बो के काले बाल और भूरी आंखें हैं उनकी ऊंचाई 5, दस एक अठहत्तर मीटर है फर्स्ट ब्लड के लिए डीवीडी कमेंट्री में मोरेल ने टिप्पणी की है कि रैम्बो की प्रेरणा द्वितीय युद्ध के नायक ऑडी मफी थे सभी पांच फिल्मों में रैम्बो का किरदार सिल्वेस्टर स्टैलोन ने निभाया है एनिमेटेड टीवी श्रृंखला में चरित्र को नील रॉस ने आवाज दी है काल्पनिक जीवनी रैम्बो लास्ट ब्लड के अनुसार चरित्र का पूरा नाम जॉन रैम्बो है और उसका जन्म 12 अप्रैल 1950 को बोवी एरिजोना में हुआ था उसके पिता रीविस रैम्बो 1922 2000 और माँ हेल्गर रैम्बो 1926 1969 थे जैसा कि रैम्बो लास्ट ब्लड में रैम्बो के खेत की कब्रों पर दिखाया गया है रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट दो में उसे मूल अमेरिकी और जर्मन वंश का बताया गया है पात्र मेजर मार्शल रोजर टी मर्डॉक कहता है भारतीय और जर्मन मूल का यह एक अद्भुत संयोजन है फिल्म के उपन्यासीकरण से पता चलता है कि उसके एक इतालवी पिता और एक नवाज़ो माँ है जॉन की भतीजी शर्लीन भी काफ़ी मशहूर हैं रैम्बो 6 अगस्त 1964 को 17 साल की उम्र में अमेरिकी सेना में भर्ती हुआ हालांकि उसने रैम्बो में कहा कि उसे वियतनाम में भर्ती कर लिया गया 1965 में रेंचफ़ोर्ड स्कूल से स्नातक होने के बाद उनकी सैन्य सेवा जनवरी 1966 में शुरू हुई रैम्बो को सितंबर 1966 में दक्षिण वियतनाम में तैनात किया गया था वह उन्नीस में अमेरिका लौट आए और उत्तरी कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में अमेरिकी सेना के विषय श बलों के साथ प्रशिक्षण शुरू किया कर्नल सैमुअल ट्रॉटमैन के संरक्षण में उन्नीस के अंत में रैम्बो को एसओजी ब्रिगेड के सदस्य के रूप में वियतनाम में फिर से तैनात किया गया वो कर्नल ट्रॉटमैन की कमान वाली विशेष बलों की लंबी दूरी की टोही गश्ती इकाई का हिस्सा बन गए ट्रॉटमैन की टीम को बेकर टीम का कोड नाम प्राप्त हुआ और इसमें आमतौर पर आठ लोग शामिल होते थे अन्य ज्ञात सदस्य थे डेलमर बैरी एक काला गुर्गा जो जल्द ही रैम्बो का सबसे अच्छा दोस्त बन गया जोसफ जॉय डैनफोद रैम्बो का एक और दोस्त मैनुअल लोको ओर्टेगा, पॉल मेस्ना डेल्बर्ट क्रैकाहौर ग्यूसेप ग्रीसी कंटकोलेटा और राल्फ जोर्गिनसन। एक ऐसी घटना में जो रैम्बो को जीवन भर परेशान करती रहेगी डैनफोथ की रैम्बो की बाहों में मृत्यु हो गई जब उनकी यूनिट आराम और स्वास्थ्य लाभ के समय पर थी एक कठोर शुशाइन बॉक्स से गंभीर रूप से घायल होने के बाद नवंबर 1971 में एक मिशन के दौरान रैम्बो की इकाई पर एनवीए बलों द्वारा अचानक हमला किया गया डेलमार, रैम्बो और कुछ अन्य जीवित सदस्यों को उत्तरी वियतनामी सेना ने चीनी वियतनामी सीमा के पास पकड़ लिया और एक पाओ शिविर में रखा जहां कई अन्य अमेरिकी पाओ को कैद किया गया और बार बार प्रताड़ित किया गया कठिन परीक्षा के दौरान रैम्बो की इकाई नष्ट हो गई लेकिन डेलमार और रैम्बो मई उन्नीस में कैद से भागने में सफल रहे और रैम्बो को तुरंत उनके अनुरोध पर फिर से तैनात किया गया अपने सैन्य करियर में किसी समय उन्होंने हैं शिविर और नदी पर हिंसा के बाद सोवियत और वियतनामी सैनिक रैम्बो को खोजने और मारने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जब वे जंगल में रैम्बो का शिकार कर रहे होते हैं तो वो गुरिल्ला रणनीति का उपयोग करके उनमें से कई को मार डालता है वियतनामी सैनिक रैम्बो का एक गांव में और उसके आसपास पीछा करना जारी रखते हैं वहां लंबी घास के एक टुकड़े में रैम्बो एक बूबी ट्रैप विस्फोट करता है जिससे आग लग जाती है जिससे कई वियतनामी सैनिक जल जाते हैं सैनिकों से दूर भागते समय सोवियत द्वारा पकड़ा गया वह एक ह्यूई हेलीकॉप्टर रैम्बो को ढूंढता है और उसके स्थान पर नेपलम का एक पीपा गिरा देता है पीपा फटते ही रैम्बो एक चट्टान से नदी में गोता लगाता है हेलीकॉप्टर पानी में गोलियां बरसाते हुए उसका पीछा करता है गोलियां चलाते समय जैसे ही हेलीकॉप्टर पानी के करीब पहुंचता है रैम्बो पानी के नीचे से कूद जाता है बंदूकधारी को हेलीकॉप्टर से खींच लेता है और युशिन का सामना करने के लिए ऊपर चढ़ जाता है जैसे ही वे हेलीकॉप्टर के अंदर लड़ते हैं वो उड़ जाता है और रे मबो युशिन को हेलीकॉप्टर से बाहर फेंक देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है जैसे ही रैम्बो पायलट के पास आता है पायलट भी हेलीकॉप्टर से बाहर कूद जाता है हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण हासिल करके रैम्बो बैंकों और शेष युद्धबंदियों को बचाने के लिए इसे वापस शिविर में ले जाता है वह शेष गार्डों को मार देता है और बंदियों को हेलीकॉप्टर में ले जाता है एक अन्य सोवियत आक्रमण हेलीकॉप्टर कॉकपिट में लेफ्टिनेंट कर्नल पोडोव्स्की के साथ एक एमआई चौबीस हिंद फिर रैम्बो के हेलीकॉप्टर का पीछा करता है जब वह रैम्बो के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग के कारण धुएं की धुंध में खो गया तो उसने देखा कि वह नदी में सुलग रहा है जैसे ही रूसी हेलीकॉप्टर पक्षी की जांच करने और उसे ख़त्म करने के लिए नीचे उड़ता है रैम्बो जो मरा हुआ प्रतीत होता था अचानक उठता है रॉकेट लॉन्चर हाथ में लेता है और विंडशील्ड के माध्यम से फायर करता है पोडवस्की को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है रैम्बो फिर बेस पर लौटता है और हेलीकॉप्टर से एम मशीन गन का उपयोग करके मर्डॉक के कमांड सेंटर को नष्ट कर देता है इसके बाद वह अपना चाकू निकालता है और मर्डॉक को धमकाता है उसे वियतनाम में शेष अमेरिकी युद्धबंदियों को ढूंढने और बचाने का आदेश देता है और लगभग अपनी सांसों में चिल्लाता है तुम्हें पता है कि वहाँ और भी आदमी हैं तुम्हें पता है कि वे कहाँ हैं उन्हें ढूंढो। या मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा ट्रॉटमैन तब रैम्बो को सांत्वना देता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे विशेष बलों में फिर से शामिल होने के लिए मनाता है और उसे ये भी बताता है कि उसे अपने कार्यों के लिए एक और सम्मान पदक मिलेगा हालांकि रैम्बो स्पष्ट रूप से गुस्से में है और अपने आंसुओं को रोकते हुए कहता है कि जिन सैनिकों को उसने बचाया है वे उससे कहीं अधिक पदक के हकदार हैं और वह केवल उन सैनिकों के समान ही चाहता है जिन्हें उसने बचाया है उनका देश अपने सैनिकों से उतना ही प्यार करे जितना कि के सैनिकों से अपने देश से प्यार करो रैम्बो फिर जाने लगता है ट्रॉटमैन ने उससे पूछा आप कैसे रहेंगे जॉन रैम्बो उत्तर देता है दिन ब दिन फिल्म तब समाप्त होती है जब रैम्बो दूर चला जाता है जबकि उसका गुरु उसे देखता रहता है युद्धबंदियों को बचाने के अपने कार्यों के कारण रैम्बो को राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान दिया जाता है जिसका उससे वादा किया गया था और वह थाईलैंड में रहने का फ़ैसला करता है रैम्बो तीन नाइनटीन तीसरी फिल्म कर्नल ट्रॉटमैन के एक बार फिर रैम्बो की मदद लेने के लिए थाईलैंड लौटने से शुरू होती है स्टिक फाइटिंग मैच में रैम्बो की जीत देखने के बाद ट्रॉटमैन उस मंदिर के निर्माण स्थल का दौरा करता है जिसके निर्माण में रैम्बो मदद कर रहा है और रैम्बो को अफगानिस्तान के एक मिशन पर उसके साथ शामिल होने के लिए कहता है इस मिशन का उद्देश्य मुजाहिदीन कहे जाने वाले अफ़ग़ान जिहादियों को एफ़आईएम बानवे स्टिंग मिसाइलों सहित हथियारों की आपूर्ति करना है जो सोवियत अफ़ग़ान युद्ध में सोवियत से लड़ रहे हैं सोवियत सैन्य हस्तक्षेप के तहत पीड़ित नागरिकों की तस्वीरें दिखाए जाने के बावजूद रैम्बो ने पिछले मिशन के समान अमेरिकी सरकार द्वारा विश्वासघात के डर से और अधिक रक्तपात के बिना जीवन चाहने से इनकार कर दिया ट्रॉटमैन स्वयं ही जाना चुनता है अफगानिस्तान में रात में पहाड़ों से गुजरते समय ट्रॉटमैन की सेना पर सोवियत सैनिकों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है ट्रॉटमैन को एक सोवियत अड्डे में कैद कर लिया गया है और कर्नल जेसिन और उसके गुर्गे कोरोव ने उससे पूछताछ की है रैम्बो को दूतावास के क्षेत्र अधिकारी रॉबर्ट ग्रिग्स से घटना के बारे में पता चलता है और ग्रिग्स को एक अनौपचारिक ऑपरेशन के माध्यम से उसे ले जाने के लिए मना लेता है ग्रिग्स की चेतावनी के बावजूद कि मारे जाने या पकड़े जाने पर अमेरिकी सरकार उसके कार्यों के बारे में किसी भी जान कारी से इनकार कर देगी रैम्बो तुरंत पाकिस्तान के लिए उड़ान भरता है जहां उसकी मुलाक़ात एक हथियार आपूर्तिकर्ता मौसा से होती है जो उसे सोवियत बेस के करीब अफ़गान रेगिस्तान के एक गांव में ले जाने के लिए सहमत होता है जहां ट्रॉटमैन को रखा गया है गांव के मुजाहिदीन पहले से ही रैम्बो की मदद करने से झिझक रहे हैं लेकिन जब मौसा के एक दुकान सहायक ने सोवियत को रैम्बो की उपस्थिति के बारे में सूचित किया तो वे निश्चित रूप से मदद न करने के लिए आश्वस्त हो गए जब उनके गांव पर सोवियत हेलीकॉप्टरों द्वारा हमला किया गया या केवल मौसा और हामिद नाम के एक युवा लड़के की सहायता से रैम्बो सोवियत बेस तक जाता है और ट्रॉटमैन को मुक्त करने का प्रयास करता है पहला प्रयास असफल रहा और इसके परिणामस्वरूप न केवल हामिद को पैर में गोली लगी बल्कि रैम्बो को भी बाजू में छर्रे लगे बेस से भागने के बाद रैम्बो हामिद के घावों की देखभाल करता है और उसे और मौसा को सुरक्षित स्थान पर भेज देता है अगले दिन रैम्बो एक बार फिर बेस पर लौटता है ट्रॉटमैन को ब्लू टॉर्च से प्रताड़ित होने से बचाने के लिए कई अन्य कैदियों को बचाने के बाद रैम्बो एक हेलीकॉप्टर चुरा लेता है और ट्रॉटमैन के साथ बेस से भाग जाता है हालांकि हेलीकॉप्टर जल्द ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और रैम्बो और ट्रॉटमैन को पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है एक गुफा में टकराव के बाद जहां रैम्बो और ट्रॉटमैन कॉरोव सहित कई स्पेट्सनास कमांडो को खत्म कर देते हैं उनका सामना जेसेन के नेतृत्व में सोवियत टैंकों की एक सेना से होता है जैसे ही वे लाल सेना की ताकत से अभिभूत होने वाले होते हैं मुजाहिदीन योद्धा मौसा और हामिद के साथ सैकड़ों की संख्या में घुड़सवार सेना के साथ युद्ध के मैदान में उतरते हैं और कम्युनिस्टों पर भारी पड़ते हैं आगामी लड़ाई में जिसमें ट्रॉटमैन और रैम्बो दोनों घायल हो गए रैम्बो रूसियों की सीमा में एक टैंक चलाकर किसी तरह अकेले ही चार सदस्यीय दल का काम करते हुए मुख्य बंदूक को लोड करके और फायर करके जेसेन को मारने में कामयाब हो जाता है हेलीकॉप्टर रैम्बो विस्फोट से बच जाता है और टैंक से बाहर निकल है लड़ाई के अंत में रैम्बो और ट्रॉटमैन अपने मुजाहिदीन दोस्तों को अलविदा कहते हैं और घर जाने के लिए अफ़गानिस्तान छोड़ देते हैं रैम्बो 2008 चौथी फिल्म बर्मा में 2007 के संकट की न्यूजरील के साथ शुरू होती है बर्मा थान श्वे के सख्त शासन के अधीन है और देश के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के ख़िलाफ़ कठोर रुख अपनाता है विद्रोहियों को खदान से भरे दलदल में फेंक दिया जाता है और फिर टाटमाओं द्वारा गोली मार दी जाती है जबकि बर्मी सैन्य अधिकारी मेजर पाती टिंट जिन्होंने नरसंहार का आदेश दिया था गोलीबारी को गंभीर रूप से देखते हैं इस बीच रैम्बो अभी भी थाईलैंड में रह रहा है बर्मी सीमा के पास एक गांव में रहते हुए वो सांपों को पकड़कर और उन्हें पास के गांव में बेचकर अपना जीवन यापन करता है वह अपनी नाव में घूमने वालों को भी ले जाता है एक मिशनरी माइकल बनेट रैम्बो से करीन आदिवासियों को सहायता देने के लिए एक मानवीय मिशन पर उसे और उसके सहयोगियों को साल्विन नदी से बर्मा तक ले जाने के लिए कहता है इस बिंदु पर मानवता में सारा विश्वास खो देने के कारण रैम्बो ने मना कर दिया लेकिन सारा मिलर ने उसे उन्हें लेने के लिए मना लिया नाव को बर्मी समुद्री डाकुओं ने रोक दिया है जो मार्ग के बदले में सारा की मांग करते हैं बातचीत विफल होने के बाद रैम्बो उन सभी को मार डालता है हालांकि उसकी हरकतें मिशनरियों को बचाती हैं लेकिन यह उन्हें बहुत परेशान करती है आगमन पर माइकल कहता है कि वे ज़मीन से यात्रा करेंगे और वापसी यात्रा के लिए रैम्बो की मदद की ज़रूरत नहीं होगी उसने उसे सूचित किया कि वह उसकी रिपोर्ट करना चाहता है मेजर टिंट के नेतृत्व में टाटमाओ के आक्रमण तक मिशन अच्छा चलता रहता है उन्होंने अधिकांश ग्रामीणों और दो मिशनरिय को मार डाला और माइकल और सारा सहित बाकी लोगों का अपहरण कर लिया मिशनरियों के लौटने के दस दिन बाद उनके पादरी भाड़े के सैनिकों को उस गांव में ले जाने के लिए रैम्बो से मदद मांगने आते हैं जहां मिशनरियों को आखिरी बार देखा गया था रैम्बो सैनिकों को ले जाने के लिए सहमत हो जाता है फिर अपने गांव लौटता है और अपने लिए एक नया हथियार बनाता है अपने गंतव्य पर रैम्बो हाथ में काले रंग में लिपटे पैकेज के साथ भाड़े के सैनिकों के साथ जाने की कोशिश करता है लेकिन उनका नेता जिसे पूर्व पुराने स्कूल और अहंकारी ऐसे सैनिक के रूप में वर्णित किया गया है मना कर देता है अपने मार्गदर्शक करीन स्वतंत्रता सेनानी के साथ नष्ट हुए गांव में पहुंचने के बाद उन्हें छिपने के लिए मज़बूर होना पड़ता है जब कुछ तात्माओं ट्रक से पहुंचते हैं और अपने ग्रा मीन कैदियों को गांव के चावल के खेतों में छिपी हुई बारूदी सुरंगों का गोला चलाने के लिए मजबूर करते हैं भाड़े का नेता बचाव का आदेश नहीं देगा क्योंकि उसे चिंता है कि लापता टाटमाओं बाकी लोगों को सतर्क कर देगा हालांकि रैम्बो अपने मिश्रित धनुष के साथ प्रकट होता है और टाटमाओं को मार गिराता है जब आदमी उसे धमकाता है तो रैम्बो नेता का सामना करता है और अपने तीर से उसकी आंख के सॉकेट पर निशाना साधते हुए रैम्बो उसे और अन्य लोगों को बताता है कि सैनिक ही वे हैं और करते हैं और उन्हें विकल्प देता है बिना कुछ लिए जियो या मर जाओ कुछ के लिए जब रैम्बो खड़ा होता है और दूसरों को आने के लिए कहता है तो वे बिना किसी प्रश्न के नेता के साथ चले आते हैं रैम्बो और भाड़े के सैनिक टाटमाओं बेस का पता लगाते हैं और उसमें घुसपैठ करते हैं जहां मेजर टिंट कमांडर है वे बेस के निकट एक पाव शिविर में बंधकों को बचाने की योजना बना रहे हैं रैम्बो सारा और अन्य लोगों को भागने में मदद करता है चाटमाओं इकाई लापता बंधकों का पता लगाती है और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाती है रैम्बो सारा और भाड़े के स्नाइपर स्कूल बॉय को छोड़कर सभी को पकड़ लिया गया है लेकिन जैसे ही समूह को मार डाला जाना है रैम्बो एक ट्रक पर लगी पचास कैलिबर मशीन गन को जबत कर लेता है और बर्मी सेना का नरसंहार करता है जिससे स्कूल बॉय को अन्य लोगों के पास टाटमाओ को गोली मारने और उन्हें भी हथियार प्रदान करने का मौका मिलता है करेन विद्रोही रैम्बो और भाड़े के सैनिकों को जीतने में मदद करने के लिए लड़ाई में शामिल होते हैं मेजर टिंट भागने का प्रयास करता है लेकिन रैम्बो द्वारा अपने जीवित चाकू से उसका शरीर अलग कर दिया जाता है सारा के शब्दों से प्रोत्साहित होकर रैम्बो थाईलैंड छोड़ देता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने घर लौट आता है उसे बोवी एरिजोना राजमार्ग पर चलते हुए देखा जाता है जब तक कि उसे एक घोड़ा फार्म और एक जंग लगा मेलबॉक्स दिखाई नहीं देता आर रैम्बो नाम पढ़कर रैम्बो मुस्कुराता है और घर की बजरी वाली सड़क पर चलता है रैम्बो लास्ट ब्लड दो इस फिल्म रैम्बो लास्ट ब्लड में बर्मा की घटनाओं के 11 साल बाद वियतनाम युद्ध के अनुभवी जॉन रैम्बो अपने मृत पिता के घोड़ा फार्म में बोवी एरिजोना में रहते हैं जिसे वह अपने पुराने दोस्त मारिया बैल्ट्रॉन और उनकी पोती गैब्रियल के साथ प्रबंधित करते हैं गैब्रियल ने रैम्बो को बताया कि उसकी एक दोस्त गिजेल ने गैब्रियल के जैविक पिता मैनुअल को मैक्सिको में पाया है रैम्बो और मारिया की इच्छा के विरुद्ध गैब्रियल गुप्त रूप से यह पूछने के लिए मैक्सिको चली जाती है कि मैनुअल ने वर्षों पहले गैब्रियल और उसकी मां को क्यों छोड़ दिया था गिजेल गैब्रियल को मैनुअल के अपार्टमेंट में ले जाती है जहां वह उसे बताता है कि उसने गैब्रियल या उसकी मां की कभी परवाह नहीं की गिजेल दुखी गैब्रियल को एक स्थानीय क्लब में ले जाती है जहां मैक्सिकन कार्टेल के प्रवर्तकों द्वारा गैब्रियल को नशीला पदार्थ खिलाकर उसका अपहरण कर लिया जाता है इस बीच मारिया रैम्बो को गैब्रियल के लापता होने की सूचना मैक्सिको को देती है रैम्बो मैक्सिको की यात्रा करता है और गैब्रियल के ठिकाने के बारे में मिगुएल और गिजेल दोनों से पूछताछ करता है रैम्बो को गिजेल अनिच्छा से उस क्लब में ले जाती है जहां गैब्रियल को आखिरी बार देखा गया था और उसका सामना एल फ्लैको से होता है जिसने आखिरी बार गैब्रियल से बकी थी एक रहस्यमय महिला कामिन डेलगाडो रैम्बो का पीछा करती है और एल फ्लैको उसे गैब्रियल के स्थान तक ले जाता है भाइयों ह्यूगो और विक्टर मार्टिनेज के नेतृत्व वाले कार्टेल द्वारा रैम्बो का तुरंत सामना किया जाता है उसे पीटा जाता है और चिन्हित किया जाता है वे उसके ड्राइवर का लाइसेंस ले लेते हैं जिसमें खेत के स्थान का खुलासा होता है और गैब्रियल की एक तस्वीर होती है जिसे विक्टर पहचानता है रैम्बो के कार्यों के कारण काटेल ने गैब्रियल के साथ और अधिक दुर्व्यवहार करने की कसम खाई कामेन रैम्बो को वापस अपने घर ले जाती है जहां वह उसकी तब तक देखभाल करती है जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता कामेन खुद को एक स्वतंत्र पत्रकार बताती है जो अपनी बहन के अपहरणकर्ताओं और हथियारों मार्टिनेज भाइयों की जांच कर रही थी रैम्बो ने बाद में वेश्यालयों में से एक पर छापा मारा और कई लोगों को मार डाला जब तक कि उसे नशे में धुत गैब्रियल नहीं मिल गया घर वापस जाते समय रैम्बो ने गैब्रियल को दस साल तक आशा देने के लिए धन्यवाद दिया इससे पहले कि वह जबरदस्ती ओवरडोज से मर जाए क्रोधित होकर रे मबो ने मारिया को दूर भेज दिया और टकराव के लिए खेत में जाल बिछा दिया और बाद में विक्टर को खोजने में कामेन की मदद मांगने के लिए मैक्सिको लौट आया कामेन ने शुरू में मना कर दिया यह विश्वास करते हुए कि इससे कुछ भी हल नहीं होगा लेकिन रैम्बो द्वारा अपने दुख और निराशा की अपील करने के बाद वो आश्वस्त हो गई रैम्बो ने विक्टर के घर पर छापा मारा कई गार्डों को मार डाला और विक्टर का सिर धड़ से अलग कर दिया प्रतिशोध में ह्यूगो हिटमैन के एक समूह को रैम्बो के खेत में ले जाता है जहां प्रत्येक धांधली के जाल का शिकार हो जाता है अंत में ह्यूगो को बचाते हुए रैम्बो ने बदला लेने के लिए उसका अंग भंग कर दिया और उसका दिल चीर दिया इसके बाद कमज़ोर रैम्बो अपने पिता के घर के बरामदे पर बैठ जाता है और लड़ाई जारी रखने और अपने प्रियजनों की यादों को जीवित रखने की कसम खाता है क्रेडिट के दौरान रैम्बो अपने घोड़े पर काठी बांधता है और सूर्यास्त की ओर चला जाता है भविष्य फर्स्ट ब्लड का एक बॉलीवुड रीमेक 2019 में अक्टूबर 2020 में रिलीज होने वाला था जिसमें टाइगर श्रॉफ को रैम्बो की भूमिका में लिया गया था और रैम्बो फ्रेंचाइज की सभी पांच फिल्मों के हिंदी रीमेक में अभिनय करने की उम्मीद थी ग्यारह 2019 कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान स्टैलोन ने कहा कि अगर पांचवी फिल्म सफल होती है तो वो रैम्बो का किरदार निभाना जारी रखेंगे बारह हालांकि ग्रुनबग ने कहा कि रैम्बो लास्ट ब्लड सर्कल को बंद कर देता है उम्मीद है कि इससे फ़िल्म श्रृंखला समाप्त हो जाएगी तेरह सितंबर दो हज़ार उन्नीस में स्टैलोन ने पुष्टि की कि उनके पास श्रृंखला के प्रीक्वल की योजना है हालांकि वो शीर्षक भूमिका दोबारा नहीं निभाएंगे वो ये जानना चाहेंगे कि युद्ध से पहले रैम्बो कौन था मैं हमेशा रैम्बो के बारे में सोचता था जब वो सोलह या सत्रह साल का था मुझे आशा है कि वे प्रीक्वल बना सकते हैं वो सबसे अच्छा व्यक्ति था जिसे आप पा सकते थे वह टीम के कप्तान थे वो स्कूल में सबसे लोकप्रिय बच्चा था सुपर एथलीट वो जिम थोरपे की तरह था और युद्ध ने उसे बदल दिया यदि आपने उसे पहले देखा था तो वह एक आदर्श व्यक्ति जैसा था चौदह स्टेलोन ने रैम्बो को छठी रैम्बो फिल्म के लिए भारतीय आरक्षण में शरण लेने में रुचि व्यक्त की है 15 जून दो हज़ार बीस में स्टेलोन ने इस विचार को संक्षेप में बताते हुए कहा अगर मैंने कभी दूसरा किया तो मुझे लगता है कि वह भारतीय आरक्षण पर वापस चला जाएगा जिस पर वह बड़ा हुआ था क्योंकि उसका भारतीय परिवार है 2022 तक वहाँ कोई रैम्बो छ नहीं होगा 16 पुरस्कार और अलंकरण रैम्बो की सेना सेवा वर्दी पर विभिन्न विशेष कर्तव्य बैज दिखाई देते हैं जिनमें शामिल हैं व्यक्तिगत सजावट के आकार में पांच सफ़ेद सितारों वाला ब्लूबर्ड रंग का रिबन सम्मान का पदक विशिष्ट सेवा क्रॉस सिल्वर स्टार कांस्य सितारा पदक चौड़ाई चौवालीस मटल हरा रिबन चौड़ाई किनारों पर तीन सफेद धारियाँ और बीच में पांच चौड़ाई एक धारियाँ केंद्रीय सफेद धारियाँ चौड़ाई दो की दूरी पर हैं सेना प्रशस्ति पदक प्रतिष्ठित फ्लाइंग क्रॉस बैंगनी दिल वायु पदक इकाई पुरस्कार राष्ट्रपति इकाई प्रशस्ति पत्र वियतनाम राष्ट्रपति इकाई प्रशस्ति पत्र सेवा पुरस्कार चौड़ाई चौवालीस रिबन चौड़ाई छः केंद्रीय अल्ट्रामरीन नीली धारी जिसके दोनों ओर धारियों के जोड़े क्रमशः चौड़ाई चार पन्ना चौड़ाई तीन सुनहरा पीला चौड़ाई पाँच नारंगी और चौड़ाई सात हैं सेना सेवा रिबन सैनिक पदक अभियान और सेवा पदक तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस जबरदस्त मूवी के बारे में बात करी यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा इस यूनिवर्स के अंदर छठी मूवी एक तरह से हमें अपकमिंग देखने को मिलने वाली है उसके ऊपर अपडेट मैंने आपको बताया तकरीबन इस यूनिवर्स के अंदर पांच मूवी हमें देखने को मिल चुकी है जिसमें से किसी भी मूवी के ऊपर यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा जिस कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक होगे जिस पार्ट पर सबसे ज़्यादा लाइक होगे अगली वीडियो उसी पार्ट पर हम आपके लिए लेकर आएंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में